द ब्लैक स्ट्रिंग। कहानी की शुरुआत में हम जॉनथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक वाइन स्टोर में काम कर रहा था। तभी जॉनथन के पास एक अजीब सा आदमी आता है जो जॉनथन को घूर रहा था। ये देख जॉनथन काफी डिस्टर्ब होता है। दरअसल जॉनथन एक शर्मीला आदमी होता है जो अपने पेरेंट्स से दूर एक अलग जगह पर रहता है। जॉनथन इंट्रोवर्ट होने के कारण बहुत कम लोगों से बात करता था क्योंकि उसे अकेले रहना बहुत पसंद था। अगले दिन स्टोर में एक कपल आते हैं जो जॉनथन के सामने किस करने लगते हैं। ये देख जॉनथन काफी अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था। फिर वे कपल जॉनथन से कॉन्डम लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉनथन स्टोर को क्लीन करने लगता है। तभी बाहर वही अजीब सा आदमी स्टोर का दरवाजा खटखटाने लगता है जिससे जॉनथन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे इग्नोर कर देता है। अब जॉनथन अपने घर जाता है और एक लड़की का स्केच बनाने लगता है। तभी उसे टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है जिसमें एक कॉल गर्ल का नंबर दिया होता है जिस पर कॉल करके वो किसी भी लड़की को हैंग आउट के लिए बुला सकता था। ये सब देखकर जॉनथन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एडवर्टाइजमेंट उसके जैसे इंट्रोवर्ट लोगों के लिए बनाई गई है। इसलिए वो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करने लगता है जहाँ दूसरी तरफ से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे अगले दिन रात में मिलने के लिए बोलती है। ये सुनकर जॉनथन फोन काट देता है और अगले दिन रात का वेट करने लगता है। अगले दिन सुबह जॉनथन स्टोर में बहुत खुश दिखाई देता है क्योंकि आज रात वो एक लड़की से मिलने वाला था। तभी उसके पास एरिक आ जाता है जो उस स्टोर का ओनर होता है। जॉनथन एरिक को स्टोर की चाबी देता है और कहता है कि आज रात मैं एक लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूँ। एरिक ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि जॉनथन पहली बार किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा था। फिर एरिक जॉनथन से उस लड़की का नाम पूछता है जिस पर जॉनथन उसे बताता है कि उस लड़की का नाम डीना है जिससे वो एक डेटिंग ऐड के जरिए मिला है। ये सुन एरिक हंसने लगता है, साथ ही वो जॉनथन के लिए खुश भी होता है। फिर वो जॉनथन को एक कॉन्डम का पैकेट देता है लेकिन जॉनथन उसे वापस कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब जॉनथन अपनी कार लेकर डीना के पास जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाने पर जॉनथन को डीना एक घर के बाहर मिलती है जिससे वो उसे पिकअप कर लेता है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जॉनथन साई होने के कारण डीना के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। फिर रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद डीना को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है पर डीना अपने घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो जॉनथन के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। इसीलिए वो जॉनथन के साथ उसके घर जाने लगती है। घर आने के बाद जॉनथन डीना का स्केच बनाता है। तभी डीना जॉनथन को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। पहले तो जॉनथन उसे साफ मना कर देता है लेकिन डीना की खूबसूरती देखकर जॉनथन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है जिससे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन सुबह जब जॉनथन की आंख खुलती है तो उसे वहाँ डीना नहीं दिखाई देती है। तभी जॉनथन देखता है कि उसके पेट और प्राइवेट पार्ट पर अजीब तरह से जलन हो रही है। ये देख जॉनथन बहुत ज्यादा हैरान होता है और स्टोर जाकर ये सब बातें एरिक को बताता है। एरिक उससे कहता है कि ये सब प्रोटेक्शन न लेने की वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें किसी डॉक्टर से चेकअप कराना होगा। फिर जॉनथन डॉक्टर के पास जाने से मना करता है पर एरिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल सकती है, इसलिए तुम्हें डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट करना चाहिए। इसके बाद जॉनथन न चाहते हुए भी डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाता है जहां डॉक्टर उसके इन्फेक्शन एरिया से सैंपल लेकर बताते हैं कि इस सैंपल का रिजल्ट आने में 2 दिन का समय लगेगा। ये सब देख जॉनथन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर उसके इन्फेक्शन एरिया पर लगाने के लिए क्रीम देता है। बाहर आने के बाद जॉनथन डीना के पास कॉल करने की कोशिश करता है ताकि वो इन सब के बारे में उससे पूछ सके लेकिन डीना का फोन बंद बता रहा था जिससे जॉनथन उसी घर के पास जाता है जहां से उसने डीना को पिकअप किया था। पर उस घर में जॉनथन को डीना नहीं दिखाई देती क्योंकि वहां पर कोई दूसरा आदमी रहता था जो जॉनथन को बताता है कि डीना नाम की लड़की यहां पर नहीं रहती। लेकिन जॉनथन को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि लास्ट नाइट उसने डीना को यहीं से पिकअप किया था, इसलिए वो जबरदस्ती घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी उसे अंदर कुछ मिस्टीरियस लोग दिखाई देते हैं जो उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। ये देख जॉनथन वहाँ से जाने लगता है। घर आने के बाद जॉनथन डीना के नंबर पर कॉल करता है लेकिन उसका फोन कोई और उठाता है जो जॉनथन को बताता है कि ये डीना का नंबर नहीं है। इसके बाद जॉनथन डीना को ढूंढने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाने का फैसला करता है जहाँ वो पिछली रात डीना के साथ गया था। फिर वो रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ के वेटर से डीना के बारे में पूछता है
लेकिन वहाँ भी उसे डीना के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तभी जॉनथन को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो उसे अजीब तरह से घूर रही है। तभी उसके पास एरिक का कॉल आता है जो उससे कहता है कि तुम अभी मुसीबत में हो, इसीलिए तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। ये सुनकर जॉनथन जल्दी से एरिक के घर चला जाता है, लेकिन वहाँ बहुत शांति और अंधेरा होता है। जॉनथन जोर जोर से एरिक को आवाज लगाने की कोशिश करता है। तभी एरिक उसे अपने रूम में आने के लिए कहता है। फिर जब जॉनथन उसके रूम में जाने लगता है तो कोई उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देख जॉनथन उससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो जॉनथन को पकड़ लेती है, क्योंकि वो एरिक के घर आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। तभी जॉनथन से मिलने उसके पास डॉक्टर आते हैं जो उसे बताते हैं कि तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट से कुछ भी पता नहीं चला है। फिर डॉक्टर उसे एरिक की घायल फोटो दिखाता है और बताता है कि तुमने एरिक को जान से मारने के लिए उस पर अटैक किया था। जॉनथन को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ एरिक और जॉनथन के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। यहाँ एरिक डॉक्टर को बताता है कि जॉनथन पहले से उसके घर पर मौजूद था और जब वो उसके पास गया तो उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जबकि जॉनथन इन सब बातों को नहीं मान रहा था क्योंकि उसके हिसाब से ये सब गलत था, बल्कि उसका कहना था कि एरिक ने ही उसे कॉल करके अपने घर बुलाया था। इस पर एरिक डॉक्टर को बताता है कि उसने जॉनथन के पास कोई भी कॉल नहीं किया था। जॉनथन के पेरेंट्स जॉनथन की हालत देखकर समझ जाते हैं कि जॉनथन शायद मेंटली बीमार हो चुका है, इसलिए उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले चलना होगा। तभी जॉनथन को एक नाइटमेयर आता है जिससे उसे वॉर्मेटिंग होने लगती है। ये देख उसके पेरेंट्स जॉनथन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जॉनथन को फिर से एक नाइटमेयर आता है जिसमें कोई उसे छिपकर देख रहा होता है। तभी जॉनथन की आँख खुलती है और वो अपने हाथ पर जलन महसूस करता है क्योंकि उसके हाथ में भी इन्फेक्शन हो चुका है। अगली सुबह जॉनथन के पेरेंट्स उसे अपने घर ले जाने लगते हैं, पर जॉनथन अपने अपार्टमेंट वापस जाना चाहता था, इसलिए उसे अपने पेरेंट्स के घर अच्छा नहीं लग रहा था। अब रात में जॉनथन को एक डरावना नाइटमेयर आने लगता है जिससे वो अपने बेड से उठ जाता है। तभी उसे अपने घर में एक बुरा साया दिखाई देता है जिसे देख जॉनथन घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पेरेंट्स उसे पकड़कर जबरदस्ती मेडिसिन देने लगते हैं जिससे जॉनथन अपने फादर को पंच मारकर वहां से बाहर भाग जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर जॉनथन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर जब जॉनथन की आंख खुलती है तो वो अपने अपार्टमेंट जाता है, लेकिन उस अपार्टमेंट का ओनर जॉनथन को अंदर आने से मना कर देता है, इसलिए वो हेल्प के लिए एरिक के घर भी जाता है, पर वहां भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिससे वो एक साइकिल चुरा कर भाग जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे मिस मिलिंडा की पोस्टर दिखाई देती है जो उसी लेडी की होती है जो जॉनथन को रेस्टोरेंट में अजीब तरह से घूर रही थी। उस पोस्टर पर लिखे एड्रेस को देखकर जॉनथन एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है। फिर जॉनथन के पूछने पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ रिचुअल की चीजें और बुक्स देती है और कहती है कि मेलिंडा उसे ब्लू हाई शेक में मिलेगी जो उसे इन सब के बारे में बता देगी। जॉनथन उस बुक को लेकर ब्लू हाई शेक में आता है और उस बुक को पढ़ने लगता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि उसके ऊपर एक विचेस का साया है। तभी वहाँ मेलिंडा आ जाती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया गया है क्योंकि डेविल को मानने वाली किसी लड़की ने उसे पजेस कर लिया है। दरअसल ये लोग एक ऐसे इंसान को अपना शिकार बनाते हैं जो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, और जो भी इससे पजेस होता है उसके बॉडी में ब्लैक स्ट्रिंग बनने लगता है जिसे अगर वो नहीं निकाल पाता तो वो डेविल उसे जान से मार देता है। अब जॉनथन को मेलिंडा की बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि मेलिंडा जो कुछ भी उसे बता रही थी वो उसके साथ हो चुका था। इसके बाद मेलिंडा जॉनथन को एक नाइफ देकर कहती है कि इसकी मदद से तुम्हें अपने ब्लैक स्ट्रिंग को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो डेविल तुम्हें भी मार डालेगा। अब जॉनथन उस नाइफ की मदद से अपने ब्लैक स्ट्रिंग को निकालने लगता है, पर काफी दर्द होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसे वहाँ पर एक होमलेस आदमी दिखाई देता है जो कुछ भी नहीं बोल रहा था। जॉनथन ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और फिर से वो रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहाँ उसे डीना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी जॉनथन को बाहर वही आदमी दिखाई देता है जो उसे डीना के घर पर मिला था। जॉनथन देखता है कि वो आदमी कहीं बाहर जा रहा है, इसलिए वो विंडो से उसके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जॉनथन को कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे ऊपर फ्लोर पर किसी के होने की आहट सुनाई देती है, इसलिए जॉनथन ऊपर जाता है तो उसे डीना दिखाई देती है जो दर्द के कारण तड़प रही होती है। डीना एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके उसे बताने की कोशिश करती है कि डेविल कैसे अपने शिकार को मारता है। दरअसल ये कल्ट होता है जो डेविल की पूजा करते हैं और कमजोर
कमजोर लोगों को पजेस करके उनके अंदर ब्लैक स्ट्रिंग पैदा करते हैं, जिससे डेविल उस आदमी को मारकर अपनी भूख मिटाता है। तभी जॉनथन विंडो से बाहर देखता है कि उस कल्ट के लोग वापस आ गए हैं, इसलिए जॉनथन वहां से भागने लगता है। तभी उस कल्ट के लोग उसके सामने आ जाते हैं, पर जॉनथन उन्हें चाकू से डराकर यहां से भाग जाता है। अब जॉनथन एरिक के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। जॉनथन की बात सुनकर एरिक को लग रहा था कि जॉनथन पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसलिए वो पुलिस के पास कॉल कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देख जॉनथन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर पुलिस उसे पकड़कर यहाँ से ले जाती है। कुछ देर बाद जॉनथन को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। हॉस्पिटल में जॉनथन सबको अपनी बात बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी डॉक्टर जॉनथन से अकेले में मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी ये हालत काफी ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से हुई है, जिसकी वजह से उसकी मेंटली हेल्थ बिगड़ चुकी है। जॉनथन डॉक्टर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ये हालत विचेस ने की है, क्योंकि वो उसे डेविल से मरवाना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं मानते और यहाँ से चले जाते हैं। अब जॉनथन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि उसे पूरे हॉस्पिटल में ब्लैक स्ट्रिंग की एक चैन नजर आती है। फिर जॉनथन उस चैन को फॉलो करता हुआ एक दूसरे रूम में जाता है, जहाँ उसे इसी कल्ट का एक मेंबर दिखाई देता है, जो उसे धमकी देता है। ये सुन जॉनथन जोर जोर से चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने लगता है। फिर जब वहाँ डॉक्टर आता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता, इसलिए वो जॉनथन को रेस्ट करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद मौका पाकर जॉनथन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, पर तभी हॉस्पिटल के सभी मेंबर उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक इंजेक्शन देकर उसके हाथ पैर को बेड से बांध देते हैं, ताकि जॉनथन दोबारा यहाँ से ना भाग पाए। अब उसी रात जॉनथन के पास डेविल आता है, जिसे देख जॉनथन एकदम से डर जाता है। तभी वो डेविल जॉनथन के बॉडी से ब्लैक स्ट्रिंग निकालने लगता है, जिससे जॉनथन बुरी तरह तड़प कर मारा जाता है। अगले दिन सुबह जब नर्स उसके रूम में जाती है तो जॉनथन को मरा हुआ देख कर वो एकदम से डर जाती है। उस वक्त जॉनथन के हाथ में वही नाइफ होती है जो उसे मेलिंडा ने दिया था। नेक्स्ट सीन में हम बस स्टैंड पर एक लड़की को देखते हैं, जो रोड पर एक कार से लिफ्ट मांगती है। तभी हम कार के अंदर उन्हीं कल्ट के लोगों को देखते हैं, जो उस लड़की को अपनी कार में बैठा कर यहां से ले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।